मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं नाइन्थ क्लास एग्जाम्पल 6.3। जो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं मेरे बच्चे, एक एग्जाम्पल तो मैंने तुम्हारे को उससे रिलेटेड कल ही करवा दिया था। एक एग्जाम्पल रहता है, वो एग्जाम्पल देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो, अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर, तो हमारे को ये फिगर दे रखा उसने। मैं इसकी स्टेटमेंट समझा देता हूँ तुम्हारे को। उसने बोला कि एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, और इस ट्रायंगल के ए बी सी ट्रायंगल के एंगल हैं, एंगल ए जो है वो एक्स डिग्री है, ये वाई डिग्री एंगल है, ये जेड डिग्री है। इसने इसके इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया ए बी को और ए सी को। इसने आगे प्रोड्यूस किया तो हमारे को ए ई मिला और ए एफ मिला। अब ये बोल रहा है जो ए ई, अब इधर से सी बी ई जो एंगल है वो कंप्लीट, ये रेड वाला एंगल है। एंगल बी सी एफ जो कंप्लीट एंगल है वो क्या है, ये रेड वाला एंगल है। ये बोल रहा है इनके एक्स इनके क्या बाइसेक्टर्स को मिला दिया जाता है। अब इसका बाइसेक्टर किसका एंगल, ई बी सी, मतलब ये रेड वाले का और इस रेड वाले का कंप्लीट एंगल का अगर हम बाइसेक्टर लेंगे तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। मतलब ये वाला और ये वाला, ये वाला पोर्शन और ये वाला, ये इतना और ये इतना बीच वाला, ये आपस में इक्वल एंगल होंगे। और इधर हमने इसको मिलाया तो ये किसी ओ पॉइंट पे आके मिल गए, कौन, दोनों के दोनों बाइसेक्टर। जब दोनों के दोनों बाइसेक्टर ओ पॉइंट के ऊपर मिले तो ये बोल रहा है कि आप इस एंगल को बताइए कि ये एंगल क्या हुआ। और साथ में इसने ये बोल दिया कि आप प्रूव करके दिखाइए कि ये जो एंगल होगा, हम इस एंगल को क्या नाम देंगे, बी ओ सी एंगल। ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है एंगल बी ओ सी इक्वल होगा, मतलब ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। ये हमारे को प्रूव करके दिखाना है मेरे बच्चे। अब इसको प्रूव करने के लिए ना सबसे मेन जो बात है, हमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा सिर्फ, बस। अब देखते जाओ मेरे बच्चे, हम इजीली कर पाएंगे। देखो, अगर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो हमें ये पता है एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम क्या हो गया, 180। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे सामने सबसे पहला रिजल्ट तो ये आ गया मेरे बच्चे। सेकंड जो हमें पता है, ये वाला एंगल, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल बी सी ओ, इन ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। मैं इसकी और इसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ अंदर वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। अगर ये एंगल और ये एंगल का सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा, ये भी फिक्स है, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि ये एंगल कितनी डिग्री का है, रेड वाला कंप्लीट एंगल कितनी डिग्री का है, क्या तुम जानते हो ये पूरा का पूरा एंगल इधर से लेके और इधर तक, ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा, एंगल वाई और दोनों के दोनों रेड वाले पोर्शन होंगे, ठीक है। क्या तुम जानते हो ये कंप्लीट लीनियर पेयर एंगल होंगे, तीनों के तीनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, ये भी ठीक है। क्या मैं सिर्फ रेड वाले पोर्शन की बात करूँ, मतलब एंगल सी बी ई की बात करूँ, एंगल सी बी ई की बात करूँ, तो वो क्या 180 माइनस वाई होगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसको लेस कर दिया किस में से, 180 में से, तो यही एंगल तो रह गया हमारे पास। अगर ये रेड वाला एंगल निकालना है मेरे को पूरा का पूरा, तो मैं जेड को 180 में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे को बी सी ओ बी सी एफ एंगल के लिए, एंगल बी सी एफ के लिए मेरे को क्या करना होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल जेड, यही होगा मेरे बच्चे। मैंने क्या किया, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक 180 था, तो मैंने 180 में से y को लेस कर दिया तो मेरे पास रेड वाला रह गया। ये कंप्लीट 180 था लीनियर पेयर एंगल से, मैंने इसमें से z को लेस कर दिया तो मेरे पास ये वाला एंगल रह गया। अब मुझे चाहिए ये एंगल और ये एंगल। इसने बता दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, कौन, बी ओ सी, ओ भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे। अब मुझे ये कंप्लीट रेड वाला मिल गया, ये कंप्लीट रेड वाला मिल गया, मैं इसका भी हाफ कर दूंगा तो ये एंगल मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, इसका हाफ कर दूंगा तो ये भी मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। अगर मैं इस एंगल का हाफ कर दूँ, मैं बोथ साइड डिवाइड बाई टू,
अगर मैं दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ टू से, ये मेरे पास कौन सा एंगल है, ई बी सी, मतलब ये रेड वाला ई बी सी एंगल, या सी बी ई बोल दो, इस एंगल को हाफ़ कर देता हूँ तो मेरे को ये मिल गया। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, हाफ ऑफ एंगल सी बी ई, मतलब एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 90 माइनस वाई बाई टू, क्योंकि 180 के डिवाइड में 2 जाएगा और माइनस वाई के डिवाइड में 2 जाएगा। तो मेरे पास एक रिजल्ट ये आ गया, ठीक है, हम इसको भी याद रखेंगे। इसको हमने 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। अब अगर मैं इसको भी हाफ डिवाइड कर दूँ 2 2 से, इसका भी हाफ़ कर दूँ बी सी एफ, बी सी एफ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा हाफ़ करने पे, बी सी ओ मिल जाएगा। तो एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल बी सी एफ, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 180 डिवाइड बाई 2 माइनस जेड बाई 2। यहाँ पे डिग्री लगाना ज़रूरी है मेरे बच्चे। ये हमारे पास थर्ड रिजल्ट आ गया, मैंने इसको नाम दे दिया 3। अब हमारे को यहाँ से क्या पता चल गया मेरे बच्चे, कि ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है। अब हमें ये पता है इन तीनों के तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अगर मैं ये बोलूँ कि इन तीनों के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो देखो अब एंगल, ये एंगल कौन सा, सी बी ओ या ओ बी सी, सी बी ओ मतलब सेकंड वाला, सी बी ओ प्लस एंगल बी सी ओ, एंगल बी सी ओ, एक एंगल ये, एक एंगल ये, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 माइनस वाई बाई टू, और ये कितने का हो गया, 90 माइनस जेड बाई टू, और ये भी 90 माइनस जेड बाई टू का हो गया, और ये भी 90 माइनस वाई बाई टू का हो गया, और ये कंप्लीट कितने का है, 180 का। ये कंप्लीट कितने का, 180 का। चलो अब ये प्लस ये प्लस ये 180 डिग्री होगा। तो मैंने क्या किया, एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी सी ओ प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं क्या करूँगा, अब इसकी वैल्यू रखूँगा, एंगल सी बी ओ की वैल्यू क्या है, एंगल सी बी ओ 90 माइनस वाई बाई टू, 90 माइनस वाई बाई टू प्लस एंगल बी सी ओ, बी सी ओ 90 माइनस जेड बाई टू, 90 डिग्री माइनस जेड बाई टू प्लस एंगल बी ओ सी, इसका हमें पता ही नहीं है तो फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, 90 प्लस 90 180 डिग्री माइनस वाई बाई टू, ये 90 प्लस 90 तो 180 हो गया मेरे बच्चे, माइनस वाई बाई टू माइनस जेड बाई टू प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको 180 को उधर लेके जाऊंगा, नेगेटिव हो जाएगा, अगर 180 नेगेटिव हो जाएगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं इस कंप्लीट को उठा के उधर लेके जा रहा हूँ, इसको इसको उठा के उधर लेके जा रहा हूँ, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री ये है, इसको उधर लेके जाऊंगा, ये माइनस का 180 हो गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाई बाई टू, ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जेड बाई टू, इससे कैंसिल आउट हो गया। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 वाई प्लस जेड, यही आ जाएगा ना, क्यों, देखो मेरे बच्चे, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा, इन दोनों का, यही तो रिजल्ट आएगा हमारे पास, 2 आ गया, तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस जेड। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह भी से भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, वाई प्लस जेड, ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब मेरे को यहाँ से कौन मिल गया, ये एंगल मिल गया, बट वो किसके रिलेशन में मिला, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली मेरे को, वो वाई और जेड के रिलेशन में मिला। इस रिजल्ट को मेरे को यूज करना पड़ेगा कहाँ पे, एंगल वाई और जेड के रिलेशन निकालने के लिए, तब मेरे को पता चलेगा एंगल ए जो था, ऊपर वाला जो एंगल था, मेरे को तो ये इस एंगल का जो मेजरमेंट हुआ है वो इन दोनों के अकॉर्डिंग मेजरमेंट हुआ। मेरे को चाहिए कौन, ये चाहिए, क्योंकि इसने तो क्या बोला है, बी ए सी, बी ए सी मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, ऊपर वाले एंगल की बात कर रहा है इसकी, बट हमें इसके रिलेशन में मिला है, तो ये नहीं करना हमें। तो अब हमें क्या पता है, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है, 180। यहाँ से हमें क्या मिला, एंगल बी ओ सी मतलब ये वाला एंगल इक्वल है हाफ ऑफ एंगल जेड प्लस वाई। क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ एंगल वाई प्लस जेड की, हाँ बिल्कुल, ऊपर से निकाल सकता हूँ,
क्यों? क्योंकि एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है? 180। अगर मैं इसको आगे सिंपलीफाई करूँ, इसी से मैं रिजल्ट निकाल सकता हूँ ना। वाई प्लस जेड को इधर रख लूँ, एक्स को उठा के इधर ले जाऊँ। वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। अब मैं वाई प्लस जेड की जगह क्या रख सकता हूँ मेरे बच्चे? 180 माइनस एक्स रख सकता हूँ। अब मैं वही रखूँगा तो मेरे को किसकी फॉर्म में रिजल्ट मिल जाएगा? एंगल ए की फॉर्म में रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्या मिल गया? एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल वाई प्लस जेड का रिजल्ट क्या था? देखो ये रहा, वाई प्लस जेड का रिजल्ट है 180 माइनस। अब मेरे को इसकी फॉर्म में रिजल्ट चाहिए ना, तो मेरे को इसकी फॉर्म में रिजल्ट के लिए क्या करना होगा? मेरे को ये एंगल तो लेके आना होगा ना, एक्स एंगल। तो क्या करूँगा, 180 माइनस एक्स रख दूंगा वाई प्लस जेड की जगह। 180 माइनस एक्स ये मैंने रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, एंगल बी ओ सी इसको ओपन करूँगा। इसको अगर मैं आगे ओपन करूँगा, बी ओ सी इज इक्वल टू 1/2 था, मल्टीप्लाई करूँगा 180 से, माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये आ गया 90। तो मेरे पास क्या आ गया, 90 माइनस एक्स बाई 2। कौन आया ये? एंगल बी ओ सी। हमारे को प्रूव क्या करना था, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हमारा आया 90 माइनस एक्स बाई 2। हमें प्रूव क्या करना था, एंगल बी ओ सी 90 माइनस एक्स बाई 2 का मतलब क्या है? यही तो एंगल है बी ए सी, बी ए सी एंगल एक्स ही तो है। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, किसको? 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, ये भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एंगल एक्स का ही तो काम कर रहा है। एंगल ए बोल दो या एंगल एक्स बोल दो, एक ही तो चीज़ है मेरे बच्चे। ये एंगल तो ए बोल दो या बी ए सी एंगल बोल दो इसको, या एंगल एक्स बोल दो, बात तो एक ही है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया मेरे बच्चे, जो हमारे को। और ये रिजल्ट यूज होता है हमेशा, तुम्हारे को पता है कैसे? 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा, तुम्हें ये एंगल दे देगा, बोलेगा ये एंगल है 60 डिग्री, तुम्हारे को बोलेगा ये एंगल फाइंड आउट करो। ये जब तुम कंपटीशन में बैठोगे ना कहीं भी, तो तब तुम्हारे को पता चलेगा। तो तुम्हें क्या करना है, 90 माइनस ऊपर वाला एंगल क्या है, एक्स बाई 2। मतलब क्या, 90 माइनस एक्स कितना है, 60/2। ये आ गया 30, तो इधर ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री आ गया। सीधा रिजल्ट यूज करना है तुम्हें अब, ठीक है मेरे बच्चे? आज के लिए इतना ही, ओके।